चंडीगढ़ नगर निगम दे मेयर इलेक्शन तो बाद लगातार आम आदमी पार्टी कांग्रेस वालों प्रदर्शन किया जा रहा है, जिथे एक पासे आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करती नजर आ रही है, दूजे पासे चंडीगढ़ कांग्रेस दी हर एक यूनिट NSUI चंडीगढ़ यूथ कांग्रेस लगातार अनोखे ढंग दे नाल प्रदर्शन करता नजर आ रहा है। अज चंडीगढ़ दे विच सैक्टर 19 दे विच एक अनोखे ढंग दा प्रदर्शन किया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या बंद करो, डोंट किल डेमोक्रेसी, इस तरह का यह प्रदर्शन किया जा रहा है, कांग्रेस वालों प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहना कि जब तक इन्हों की मंगा या अनिल मसीह के खिलाफ मामला दर्ज नहीं होता या फिर मेयर मनोज सोनकर नूं नहीं हटाया जाता जब तक असी इस तरह का प्रदर्शन करते रहेंगे। तस्वीर लगातार तुसी वेख रहे हो, कोशिश भी करांगे उन्हां नाल गलबात करन दी कि यह लगातार जिहड़ा प्रदर्शन है अनोखा, एक पासे चंडीगढ़ यूथ कांग्रेस, दूजे पासे लगातार NSUI वालों, हरमेल केसी साडे नाल ने, हरमेल लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, अज अनोखा प्रदर्शन तुसी कर रहे हो, लगातार जिहड़ा हैगा कल हैगी सुप्रीम कोर्ट दे विच सुनवाई है, किस तरह दी? देखिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शायद 19 तारीख को है। लोकतंत्र में विपक्ष में होने के नाते हर नया दिन हमको सत्ता पक्ष के खिलाफ प्रदर्शन करने का अधिकार देता है। जो चंडीगढ़ में 30 तारीख को 30 जनवरी को हुआ, जो लोकतंत्र की हत्या हुई, एक भाजपा के कार्यकर्ता ने किस प्रकार से वोटों को निरस्त किया, उसको लेकर हम लगातार चंडीगढ़ कांग्रेस, युवा कांग्रेस सब लोग मिलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज उसी लड़ीवार को लेते हुए हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं और हम सरकार को ये चेताना चाहते हैं, आज देश में लोकतंत्र बिल्कुल खत्म हो गया है। आज कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उसका आज कल का एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं। एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि हमें संविधान को मानना चाहिए, लेकिन हमारे अगर आप उसको जो आज तक हमारे संविधान हमारे कानून बने हुए हैं उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हमें बड़ी खुशी है कल 3 देश के सर्वोच्च जो नेता हैं उनको भारत रत्न दिया गया। आप देखिए कि हमारे संविधान में ऐसा नहीं लिखा हुआ कि एक साल में 3 से ज्यादा लोगों को भारत रत्न देना है, कल 5 लोगों को भारत रत्न दिया, आज पूरे साल में 5 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है। हमें इसकी बहुत जबरदस्त खुशी है। चौधरी चरण सिंह की अगर बात करेंगे आप, चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा थे, वो किसानों के नेता थे, उन्होंने किसानों की लड़ाई लड़ते सारी जिंदगी अपनी निकाल दी, लेकिन सरकार की नीयत और नीति उसके उलट है। इसी सरकार के राज में पिछले 2 साल में अगर आप 2 साल पीछे जाएंगे तो 700 किसान मरे, आज भी किसान फिर दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं और कीलें बिछाई जा रही हैं, लेकिन नीयत कुछ और है और नीति कुछ और है। अगर आप स्वामीनाथन जी की बात करेंगे जिनको भारत रत्न दिया जा रहा है, उनकी क्या इच्छाएं थी? उनकी इच्छा थी MSP देने की, क्या सरकार MSP दे रही है? उनको भारत रत्न दे रही है लेकिन जो उनकी इच्छाएं थी, जो वो चाहते थे, देश में उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं की जा रही है। नरसिम्हा राव जो हमारे कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे हैं, उनको भारत रत्न दिया जाए, इसकी हमें बहुत बड़ी खुशी है। लेकिन जो आर्थिक सुधार का जनक जिनको कहा जाता था, जिनके आदर्श महात्मा गांधी थे, जिनके आदर्श जवाहरलाल नेहरू थे, उनके ऊपर लगातार कीचड़ उछाला जा रहा है। तो ये मैं ये कहना चाहता हूँ, इस सरकार ने संविधान की जो धज्जियां उड़ाई हैं, ऐसा पिछले कई सालों में नहीं हुआ। आप देखिए जब सरकार को लोग अपना जनमत देते हैं, वो किस लिए देते हैं? ताकि सरकार पार्लियामेंट के अंदर नए नए लोगों के लिए फायदे के लिए कानून बना सके। लेकिन इस सरकार ने सबसे कम 1 साल के अंदर काम किया है, पार्लियामेंट 50-55 दिन के अंदर सिर्फ चली है। बहुत सारी चीजा ने जिसन लैके लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। चंडीगढ़ के सैक्टर 19 की तस्वीर ने जिथे लगातार अलग वख वख तरीके अनोखे ढंग प्रदर्शन किया जा रहा है। कल भी लगातार प्रदर्शन किया गया कांग्रेस वालों, आम आदमी पार्टी वालों, वख वख तरीके BJP सरकार नूं घेरन की तैयारी कांग्रेस करती नजर आ रही है। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जब तक नगर निगम की असी गल कर लिए, अनिल मसीह जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर से उन्होंने परचा नहीं हो जाता या फिर उन्होंने इंसाफ नहीं मिलता, जब तक इन्हों का प्रदर्शन लगातार जारी रहने वाला। चंडीगढ़ तो कैमरामैन राजेंद्र कुमार, मनोज राठी, न्यूज 18।